हो रहे हैं, फैटी लीवर बन रहे हैं, और जो है एटीपी है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया डाइलेशन के पीछे जैसे हमने पढ़ा था सेम वैसे ही है। इसके बाद जो है ईआर स्ट्रेस है, ईआर स्ट्रेस में ईआर स्ट्रेस ये होता है कि जब मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो सेल जो है ना कॉम्पेंसेटरी पाथवेज जो है स्टार्ट करता है पहले नंबर पर, लेकिन अगर कॉम्पेंसेटरी पाथवेज वर्क नहीं करते तो सेल एपोप्टोसिस के जरिए डाई कर जाता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ना डू फिगर, तो यहाँ फिगर से हो जाएगा सिर्फ जो ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस। तो अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस नॉर्मली ऐसा होता है कि जो ना जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं उनकी फोल्डिंग को चेक कर रही होती हैं चेपरॉन्स। जब चेपरॉन्स ये देखती हैं कि अगर फोल्डिंग गलत तो नहीं हो रही, अगर फोल्डिंग गलत होती है तो वो यूबिक्यूटिनेशन के जरिए जो है ना प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देती हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है ना एक्युमुलेट नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएँ तो फिर तो सेल डाई कर जाएगा। ठीक है, अब कॉम्पेंसेटरी पाथवे क्या है, अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस, जो कि अनफोल्डेड प्रोटीन्स की एक्युमुलेशन की वजह से होता है। ये देखें जब जो है ना ये सेल के अंदर सेंसर पड़े हुए हैं, माइल्ड ईआर स्ट्रेस है और जो है ना मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एक्युमुलेट होने हो रही है, उसकी वजह से अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें तीन चीज़ें आएंगी, इनक्रीज सेंसेस ऑफ द चेपरॉन्स, चेपरॉन्स की सेंसेस बढ़ जाएगी ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा फोल्डिंग को चेक करें, और दूसरा रिड्यूस प्रोटीन सेंसेस, प्रोटीन की सेंसेस कम हो जाएगी ताकि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स कम बन जाए, और इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, अगर मिसफोल्डेड बन रही हैं ज़्यादा तो वो डिग्रेड। अगर सिवियर स्ट्रेस होता है, सिवियर स्ट्रेस की वजह से क्या है कि जो है BH3 प्रोटीन्स को एक्टिवेट कराएंगे और ना या फिर कैस्पेस को एक्टिवेट करा के सेल जो है ना एपोप्टोसिस के लिए डाई कर जाएगा। BH3 प्रोटीन्स जो BH3 सेंसर जो है ना ये हम एपोप्टोसिस में पढ़ेंगे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी अपने ये याद रखें कि BH3 प्रोटीन्स को एक्टिवेट करा के जो है एपोप्टोसिस करा देंगे, और ये लाइन लिखी हुई है कोई खास नहीं है कि प्रोटीन मिसफोल्डिंग अगर हो रही है तो उसमें जो है ना डिजीज़ कैसे होगी, या तो एसेंशियल प्रोटीन की डिफिशेंसी होगी या फिर जो है ना एपोप्टोसिस के लिए वो सेल जो है ना डाई कर जाएगा। अब ये कॉजेज़ आपने एक नज़र देख लेनी है, कॉजेस क्या हैं कि अगर सेल में एक्युमुलेशन जो हो रही है इतनी ज़्यादा प्रोटीन की मिसफोल्डेड की तो उसमें कॉजेस क्या आते हैं, या तो ऐसा कि जीन म्यूटेशन है जिसकी वजह से जो है ना वो सही से प्रोटीन जो है ना फोल्ड नहीं हो सकती, या फिर एजिंग है जिसकी वजह से सेल के पास कैपेसिटी ही नहीं है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को ठीक करने की, या फिर वायरल इन्फेक्शन हैं, वायरल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन सेंसाइज हो रही होती हैं, और ये है कि माइक्रोबियल सॉरी सिक्रेटरी प्रोटीन्स की डिमांड बढ़ गई है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही है पेशेंट में तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है। और लास्ट पे है कि जो ना चेंजेस इन द इंट्रा सेलुलर pH एंड रेडॉक्स रेट, हमने पढ़ा था कि हाइपोक्सिया इस्कीमिया की वजह से या फिर जो है ना ऑक्सीजन डिफिशेंसी की वजह से pH कम हो जाती है जिसकी वजह से एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते। इसके बाद है DNA डैमेज मैंने बताया कि जो है ना DNA डैमेज जब भी होगा तो सेल एपोप्टोसिस की तरह डाई करेगा। अब कोई DNA डैमेज रेडिएशन की वजह से हो सकता है, कीमोथेरेपीटिक एजेंट्स की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी और जो है ना सेल जो है ना सेनिसेंट सेल जो है ना वो करेगा डाई करेगा। लेकिन डाई करने से पहले जो है ना एक और मैकेनिज्म होता है, P53 एक प्रोटीन होती है, इसको जो है ना सेल इंड्यूस कराता है। ये P53 प्रोटीन जो है ना रिपेयरिंग ऑफ द DNA में इन्वॉल्व है, ये क्या करती है ये जो है ना सेल साइकिल को G1 फेज पे अरेस्ट कर देती है और ना उसको जो है ना ठीक होने के लिए टाइम मिल जाता है DNA को। और अगर ऐसा ना हो, P53 म्यूटेटेड हो, तो जो है ना सेल जो है ना वो डैमेज DNA एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और जो है ना न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना ये न्यूप्लिज्म में पढ़ना है हमने, वैसे यहाँ पे खास नहीं इंपॉर्टेंट, इन्फ्लामेशन है। तो जो इंजरी है सेल्स को वो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो रही होती है, जैसे पैथोजेंस वगैरह हैं या फिर नेक्रोटिक सेल्स अगर हैं उनकी वजह से होती है। इसके अलावा डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पांस की वजह से भी हो रही होती है। कॉमन इफेक्ट्स कौन से, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है और जो है मेम्ब्रेन परमियबिलिटी डिसफंक्शन, इनकी हेडिंग देख लेनी, पीछे सब हमारा सारा हो गया है। पहले नंबर पे फेलियर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ATP की डिप्लीशन वगैरह हमने पढ़े थे, इसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये क्या एबनॉर्मल हो रही है लेकिन इनकम्प्लीट हो रही है, जिसकी वजह से ROS बन रहे हैं। और यहाँ पे जो एक और चीज़ लिखी हुई है कि हाई कंडक्टेंस चैनल प्रोड्यूस हो जाते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं हाई माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर MPTP। ठीक है, जब ये जो है ना ओपन होते हैं इसकी वजह से जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल पोटेंशियल लॉस हो जाता है और जो है ना फर्दर जो है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और थर्ड ये है कि जो है ना साइटोक्रोम सी जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पड़ी होती है, अंदर पड़ी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो जब रिलीज होती है तो वो जो है ना एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराती है। इसके बाद डिफेक्ट्स इन द मेम्ब्रेन परमियबिलिटी, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज है। अब इसके बाद जो है ना एक और है, अब हम पढ़ लेते हैं सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन सेल इंजरी एंड सेल डेथ, उसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी है।
पढ़ लेते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द इंजरी एंड सेल डेथ। उसमें पहले नंबर पे रिवर्सिबल सेल इंजरी, जब सेल जो है ना सेल के ऊपर इंजरी हो रही है तो पहले नंबर पे रिवर्सिबल होगी, बाद में जो नहीं रिवर्सिबल होगी। तो रिवर्सिबल स्टेज वो होती है जिसमें उसका फंक्शन कम हो जाता है, उसकी मॉर्फोलॉजी भी जो है ना ख़राब हो गई होती है सेल की, लेकिन वो जो है ना अगर हम डैमेज स्टिमुलस रिमूव कर दें तो वापस आ सकती है। तो उसमें जो है ना यहाँ पे कुछ खास नहीं बताया हुआ, ये जो है ना हमने याद रखनी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं, सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंज, और कुछ और चेंजेस भी आती हैं। सेलुलर स्वेलिंग क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो है ना सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डैमेज हो रहा था उन टॉक्सिन्स की वजह से और उन सब की वजह से जो हमने पढ़े थे कॉजेज़ वगैरह, तो उनमें परमीएबिलिटी बढ़ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और फ्लूइड का इन्फ्लक्स वगैरह हमने पढ़ा था, उसकी वजह से सेल सेवेल करेगा। जब सेल सेवेल करेगा तो वो जो सराउंडिंग कैपिलरीज हैं उनके ऊपर जो है ना प्रेशर डालेगा, उन कैपिलरीज पर प्रेशर डालने की वजह से पैलर हो जाएगा। ठीक है, एक बात यह याद रखनी पैलर, और दूसरी बात यह है कि टर्गर, टर्गर मतलब यह है कि जब इन्फ्लक्स हो रहा है तो उसका ऑर्गन का वेट जो है ना बढ़ जाएगा। और माइक्रोस्कोपी में हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स नजर आएंगे ER के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो है ना ER से राइबोसोम जो है ना डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ER के छोटे छोटे सेगमेंट्स हमें नजर आएंगे, पिंच्ड ऑफ सेगमेंट्स। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक चेंज या वैक्यूलर डिजनरेशन, क्योंकि छोटे छोटे हमें वैक्यूल टाइप नज़र आ रहे होते हैं, और ये सेलुलर स्वेलिंग होती है। दूसरी है फैटी चेंज, फैटी चेंज ये होती है कि जो है ना लिपिड कंटेनिंग वैक्यूल्स जो है ना साइटोप्लाज्म में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल ये लीवर में होता है, लीवर में हमें फैटी लीवर अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग में हमने पढ़ा था। इसके बाद साइटोप्लाज्म क्या है, रेडिश हो जाता है, इओसिनोफिलिया बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टरेशंस होती हैं, जैसे ब्लबिंग हो जाती है, ब्लंटिंग हो जाती है, माइक्रोविला डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, मैंने पहले बताया। और जो है ना इसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस है, उसकी भी स्वेलिंग हो जाएगी, और इसमें फॉस्फोलिपिड रिच डेंसिटीज अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। न्यूक्लियर अल्टरेशंस हैं, न्यूक्लियर अल्टरेशंस क्लंपिंग ऑफ द क्रोमेटिन है, क्योंकि pH जो है ना कम हो रही है। और माइलिन फिगर्स आपने याद रखना, माइलिन फिगर्स जो है ना साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन करा रही थी, तो फॉस्फोलिपिड जो है ना एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सारी मेम्ब्रेन्स डैमेज हो रही है उन सब के फॉस्फोलिपिड्स एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इनको माइलिन फिगर्स कहते हैं। अब देखें इनमें क्या है, पैलर है, टर्गर है, जो है ना टर्गर में वही चीज़ आ जाएगी कि जो है इंक्रीज वेट ऑफ द ऑर्गन। ये किस में आ रहा था, हमारे सेलुलर स्वेलिंग में फैटी चेंज आ रही थी, इसके बाद उसमें लिपिड कंटेनिंग वैक्यूल्स है, इसके अलावा मेम्ब्रेन्स की अल्टरेशन थी, ER की मेम्ब्रेन अल्टरेशन थी, माइटोकॉन्ड्रिया की थी, माइलिन फिगर्स थी, और न्यूक्लियर अल्टरेशन और इओसिनोफिलिया। इसके बाद जो है ना जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर ER जो है ना अडेप्टेड हो जाती है समटाइम्स, अगर कोई ऐसी ड्रग ले रहा है पेशेंट तो उसमें ER जो है ना अडेप्ट हो जाती है और हाइपरट्रॉफी कर जाती है, फिर जब हम वो ड्रग देते हैं वो ड्रग जो है ना रैपिडली लीवर से मेटाबोलाइज हो जाती है और जो है उसका इफेक्ट इतना नहीं आ सकता। इसके बाद ये कोई खास नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है कि जो है ना रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल इंजरी में कब हम जाएंगे, तीन फेजेज हैं यहाँ पर। ये एक तो ये है कि जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है वो इतना इम्पेयर हो गया है कि जो है ना वो रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। और तीसरा ये है कि DNA के जो है ना अल्टरेशन हो गई हैं, DNA डैमेज हो गया। अब सेल डेथ है, जब जो है ना सेल्स इंजर्ड होते हैं तो वो नॉर्मली जो है ना रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट, सॉरी रिपेयर नहीं, अपनी अडेप्टेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर नहीं कर अडॉप्ट नहीं कर सकते तो वो सेल डाई कर जाएंगे। दो तरह की डेथ होगी, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एक्सीडेंटल होती है, जबकि जो है ना एपोप्टोसिस प्रोग्रामड होती है। यू क्यों है, आपने याद रखने के सेल साइज में, नेक्रोसिस में सेल का साइज जो है ना इलाज हुआ हुआ होता है, स्वेलिंग हुई वजह से भी हमने पढ़ा रिवर्सिबल इंजरी में, और उसके बाद जो है इरिवर्सिबल हम पढ़ेंगे कि सेल का साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें सेल का साइज कम होता है, न्यूक्लियस की जो है ना तीन स्टेजेस होती हैं, पिकनोसिस उसमें केरियोलाइसिस करता है, और इसमें जो है ना सिंपल जो है ना फ्रेगमेंटेशन करती होती है न्यूक्लियस की। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्रोसिस में जो है डिसरप्टेड होती है, ब्लब्स वगैरह बनती है, इसमें इंटैक्ट रहती है। सेलुलर कॉन्टेंट्स इसमें जो है इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड होता है, तो इसमें जो है सेलुलर कॉन्टेंट्स लीक करेंगे, इसमें नहीं लीक करेंगे। एडजस्ट इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस के साथ होती है, इसमें नहीं होती। फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक रोल, नेक्रोसिस मेनली पैथोलॉजिक होती है, जबकि एपोप्टोसिस नॉर्मली भी हो सकती है। अब इसके बाद जो है ना इस पूरे पेज में से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा पेज जो है ना नहीं है किसी काम का। यहाँ पे नेक्रोसिस हम स्टार्ट करते हैं, तो नेक्रोसिस जो है ना इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल डेथ इन विच सेल मेम्ब्रेन फॉल अपार्ट। क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है ना वो टूट फूट जाती हैं, और जो सेलुलर इंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर से बाहर लीक कराते हैं और सेल को डाइजेस्ट करते हैं। तो नेक्रोसिस जो है ना नॉर्मली इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड होती है। इन्फ्लेमेशन क्यों कराती है, लाइसोसोम से आते हैं इंजाइम्स, या फिर जो है ना लीकोसाइट वहाँ पे रिक्रूट हो रहे होते हैं, उनकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना इसके मैकेनिज्म्स में है, मैकेनिज्म में वही पहले वाला है कि जो है ना ATP नहीं बन रहा, सेल की मेम्ब्रेन्स डैमेज हैं, और जो सेल के अंदर लिपिड प्रोटीन्स और जो है ना
उनको ROS डैमेज कर रहा है, तो ये करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेफिनेशन कर लें तो हो जाएगा। इसके बाद जो है ना मॉर्फोलॉजी में इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर चेंजेस। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में ईओसिनोफिलिया बढ़ जाएगा। ईओसिनोफिलिया क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो HND स्ट्रेन होता है उसमें जो ईओसिन होता है, ईओसिन RNA के साथ ज़्यादा बाइंड करेगा, और एच जो है ना हीमोटोक्सिलिन जो है ना वो नहीं कम बाइंड करेगा, जिसकी वजह से बेसोफिलिया कम होता है, ईओसिनोफिलिया बढ़ जाता है, सेल की रेडिश अपेरेंस होती है। दूसरा यह है कि जो हाइलिन अपेरेंस होगी, ग्लासी अपेरेंस होगी, क्योंकि ग्लाइकोजन की डिप्लीशन हो रही है, ठीक है, तो ग्लासिंग अपेरेंस होगी। इसके अलावा माइलिन फिगर जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, मॉथ ईटन साइटोप्लाज्म नजर आएगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जो है ना डाइजेस्टिव लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको एंजाइम जो है डाइजेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड और मॉथ ईटन नज़र आता है। इसके बाद जो है ना डिस्कंटिन्यूज इन द प्लाज्मा ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज और डिसरप्शन ऑफ द लाइसोसोम, इंटर साइटोप्लाज्म माइलिन फिगर्स, ये सारी पीछे पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी लिख देनी है, रिवर्सिबल में भी लिख देनी है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी, वहाँ पे थोड़ी कम होगी। इसके बाद न्यूक्लियर चेंज में पिकनोसिस है, पिकनोसिस सेल का साइज पहले श्रिंक करता है और उसमें बेसोफिलिया बढ़ता है। पहले आपने याद रखना है पिकनोसिस में सेल श्रिंक करता है और उसका जो है ना बेसोफिलिया बढ़ता है, लास्ट स्टेज में ईओसिनोफिलिया बढ़ता है, ठीक है। पिकनोसिस श्रिंकेज को कहते हैं। इसके बाद जो है ना कैरियोरेक्सिस, कैरियोरेक्सिस में जो है ना वो होती है सेल के न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन होती है, कैरियोलाइसिस में जो है ना बिल्कुल ही DNA डैमेज, DNA ख़त्म हो जाता है वो, और ना बेसोफिलिया भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फेट जो है ना इसकी इंपॉर्टेंट है नेक्रोटिक सेल्स की, इसमें जो है ना नेक्रोटिक सेल जैसे कि मैंने बताया उसमें मेम्ब्रेन डैमेज होगी, फॉस्फोलिपिड डैमेज होगी, तो फॉस्फोलिपिड रिच जो है ना डेंसिटीज है ना एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिनको माइलिन फिगर्स कहते हैं, और माइलिन फिगर्स जो है ना डेड सेल्स की जगह जो है ना माइलिन फिगर्स आ जाएंगी, और दूसरा ये माइलिन फिगर्स इनको या तो फैगोसाइटोस कर लेंगे या फिर जो है ना ये फैटी एसिड्स में डिग्रेड होंगी, और फैटी एसिड्स के साथ की अब कैल्शियम मिलेगी, तो ये कैल्शियम के डिपॉजिट जो है ना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, जिसको हम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन पढ़ेंगे या हम लास्ट में पढ़ेंगे।